हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कहते हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये डुग्गू है, ये मैं हूँ और चल रहे हैं हम लोग मैक्रोनी खाने के लिए ना। डुग्गू चलें, चले डुग्गू। अभी घर पे मैक्रोनी बन रहा है, यहाँ पे मम्मी है, ये भी प्लेट बैठी है खाने के लिए मैक्रोनी। क्या खाना है? खाना है जो आपको मैक्रोनी खाना है। डुग्गू भी खाएगा। हाय कर दो। चले डुगू, चलते हैं। यहाँ पे डुगू छोड़ दे रहे हैं, जा रहे हैं डुगू मैक्रोनी खाने के लिए अपना। यहाँ डुगू आ गए हैं, ये मांग रहा खाने के लिए डुगू मैक्रोनी। डुगू यहाँ मैक्रोनी रखा हुआ है, या जा रहा है मैक्रोनी खाने। यहाँ पे मैक्रोनी रखा, देखो डुगू कटोरा में आ चुका मैक्रोनी। खाओ डुग्गू, यहाँ पे नीचे थे के खाएंगे। डुग्गू बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। टहर का है, टहर कहा है? चलो पापा, चलो पापा, चलो पापा। तो गाइस ये गर्मा गर्म है, मम्मी खा रही हैं। खाने के बाद में जाएंगे ड्यूटी पर। यहाँ बैठी है, भी खाने जा रही है दाल बड़ा बड़ा लेकर। यहाँ पे चाय रखा हुआ है, जिसको बनवाना होगा बताइए, हम बना देंगे। आप फिर से बोलो। जिसको समोसा बनाना होगा तो हमको बताना, हम बना देंगे समोसा। बहुत अच्छा समोसा बनाते हैं। तो गाइस मम्मी समोसा बनाने जाती हैं, तो आप लोग को भी बनवाना होगा तो बताइएगा। शादी उदी में सब कुछ मंगवा देंगे। यहाँ पे खाने मम्मी जा रहे खाने के लिए, खाने के बाद में मिलेंगे आप लोगों से। तो गाइस सुपर बना हुआ है, यहाँ पे खा रही है मम्मी भी। यहाँ खा रही हैं, देख सकते हैं। खाने के बाद में आप लोगों से मिलेंगे। तो ये गाइस तो खा पी के रेडी हो चुके हैं, चल रहे हैं छत पर। छत पर जाने के बाद पतंग उड़ाएंगे, तभी पतंग उड़ाने के बाद आप लोग से मिलेंगे। तो गाइस हम छत पर आए हैं, तो देखिए एक लोग वहाँ पे बिजी हैं। वहाँ पे देखिए वो खेल रही है, पतंग उड़ा रही है। तो यहाँ पे पतंग वहाँ पे उड़ रहा है, वहाँ पे पतंग उड़ रहा है। तो ये पतंग उड़ा रही है हमारे चरखे पे, तो हम भी जा रहे हैं उड़ाने के लिए, तो आप लोग देखिएगा। तो गाइस हमको उड़ाने का मौका नहीं मिला, ये चरखी दिखा रही है, एक लोग उड़ा रहे हैं पतंग। वो बहुत ऊपर हो चुका है, तो दिखाते हैं पतंग। देख रहते हैं यहाँ डोरा है, डोर यहाँ पे वहाँ पे गया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा पतंग कहाँ पे है। वहाँ पतंग बहुत दूर चला गया है पतंग। देर बनाओ चले। हेलो गाइस हम उड़ा रहे हैं पतंग। अरे यार वो नहीं बनाओ, बेड़े पे खड़ा नहीं बनाओ। हाँ बेड़े बहुत मजा आ गया है। पतंग हमसे नहीं उड़ रहा है, अब दे रहे हैं उड़ाने के लिए। गाइस शाम हो चुका है, तो ये देखिए पतंग उड़ा के नीचे चले आए थे, तो अभी शाम को वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पे चावल मिल रही है, आज बन रहा है पनीर का सब्जी। वहाँ पे पनीर का सब्जी नहीं बन रहा है, इतना पनीर का सब्जी खाए बना लिया है आज। छेना बना पा, छेना आप अभी दिखाएंगे तो देखिएगा वीडियो में मेरे लिए एंड तक। यहाँ पे पनीर को क्या हो रहा है, कूटा का पनीर को कुटाई हो रहा है यहाँ पे। कुट रहे भाभी, अभी बनेगा तो आप लोगों को। खाने में मजा आता है तो बनाने भी सीखना चाहिए सबको। हम तो यही कहेंगे चाहे खराब बने चाहे अच्छा, एक बार खराब बनेगा, दो बार खराब बनेगा, तीसरे बार जरूर सही बनेगा। ये हमारी प्यारी भांजी है और हमको बना मतलब सिखा रही हैं छेना बनाने के लिए। तो
बता देते हैं। बाय बाय। आलू पराठा एक दिन बनाए, काली का बनाए, कोनो चीज आओ तो तू बनाए। सही कहे मसाला बोलते बन गए। बोलते बन गए। इसको मसल लेंगे तो क्या कहते हैं, स्पंजी बनेगा रसगुल्ला। यही तो मेहनत है असली। ए गाइस, पनीर को मसलते मसलते ये आटा बन चुका है। गाइस, भलगे से हमारी दादी, मतलब हमारी भौजी भलगे से चीज बॉडी नहीं तो गाइस देख सकते हैं लोई बन रहा है। किसका? छेना का। आप सबको छेना खाना होगा। चुप। तो गाइस अभी और रगड़ना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि गोला नहीं बन रहा है। तो गाइस हमको क्यों बैठना पड़ता है, लोगों को खाना नहीं बनाने आता है, इसीलिए हम बैठ के बताते हैं बनाने का तरीका। वहाँ पे खाना नहीं बनता है तो हम बता रहे हैं, तो देखिएगा। दोस्तों गाइस गोला भी बन रहा है, गोला बन रहा है। अभी जब फाइनली बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे फाइनली। तो गाइस बन रहा है, हम तो देखिएगा, घुमा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आलू का भुजिया, वहाँ पे रखा है बैग का है गोभी, यहाँ पे पानी अभी इसी में उबलेगा। छेना को डाल दिए हैं चाशनी में, तो वो अभी 2 घंटे में तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो मेरे लिए अंत तक का। तो हे गाइस, हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।